अब बकरीद आने वाला है तो मैंने सोचा कि आपके साथ किमामी सेवई की रेसिपी शेयर कर दी जाए। किमामी सेवई को बनाना बाकी सेवई से थोड़ा सा अलग है, अलग एज इन कि इसमें थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर आज की रेसिपी जो आपको किमामी सेवई की दिखने वाली है उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप ये टेस्टी सी सेवई घर पर आराम से बनाकर तैयार कर लेंगे बिना कोई झंझट के। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है, और वैसे भी बकरीद आ ही रहा है तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी तो बनाना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, और आइए देखिए इसे कैसे बनाया। तो बनाने के लिए देखिए, एक पैन में जो है हमने लेना है सबसे पहले 2 कप चीनी और 2 कप पानी। 2 कप चीनी 2 कप पानी लेके इसकी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी ऐसा होना चाहिए जैसे चिपचिपा चाशनी हो, बस उसमें कोई तार और ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। पानी इसमें ऐड कर दिया, साथ में जो है यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो हरी इलायची को तोड़कर क्रश कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 2 से 3। अब देखें मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे सेवई में कलर देने वाली हूँ। यूजुअली लोग कलर ऐड करते हैं, तो यहाँ मैंने तंदूरी फूड कलर ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे और बस चीनी के घुल जाने तक थोड़ी सी चिपचिपी सी चाशनी, जैसे गुलाब जामुन की होती है वैसी ही चाशनी हमें तैयार करनी है। तो बस हमें घुल जाने का वेट करना है, और फिर आपको गैस को बंद कर देना है। उससे ज़्यादा इसकी कुकिंग नहीं करनी है, यहाँ पे कोई तार वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे। दूसरे साइड हमने पैन चढ़ा लिया है, पैन में ले लीजिए घी, या फिर आप कोई अनफ्लेवर्ड रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी और तेल दोनों मिक्स करके लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले बादाम, काजू और छुहाड़ा, इन्हें भूनकर हमें कलर आने तक निकाल लेना है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया था बादाम, छुहाड़ा और ये था काजू। अब क्या करेंगे, इसी बचे हुए घी में जो है हम क्या करेंगे, मखाने भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने मखाना ले लिया, मखाने को भी भूनकर निकाल लेंगे। ये सारे जो आपको एक क्वांटिटीज़ जो हैं इंग्रेडिएंट्स के, सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी मैं। मखाने को हल्का से कलर चेंज होने तक और क्रिस्प होने तक भून के निकाल लेना है, बस ये तुरंत भून जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे हम निकाल लेंगे, ये देखिए। अब क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको दिखाए, जो हमने भुना, ये सारे मखाने और ये जो भी हमने भुना रिसेंटली, इन सबको क्या करना है, इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इनका कोर्स पाउडर तैयार कर लेना है। बिल्कुल ऐसा इनका हमने कोर्स पाउडर तैयार कर लिया। अब इसको साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। ये देखिए, पाउडर बिल्कुल भी फाइन नहीं होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए बिल्कुल ऐसा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए वापस उसी पैन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे बारीक कटे हुए काजू और बादाम। अब वही काजू बादाम जो हमने पाउडर तैयार किया है, ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, ऊपर से गार्निशिंग वगैरह करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर से डालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बीच बीच में जब आता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे, और साथ में इसी मोमेंट पे मैं जो है ना सूखे नारियल को इस तरीके से लंबे लंबे कट करे थे मैंने, अब उसे भी ऐड कर दूंगी, और कलर चेंज होने तक इन्हें भी भून कर निकाल लेंगे। उसी पैन में थोड़ा सा घी और डाल लीजिए अगर कम हो जाए तो, और फिर किशमिश को फूल जाने तक इन्हें फ्राई करके निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे, उसी पैन में फिर से हमने थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया, और साथ में डाल दिया लौंग और इलायची, और फिर ये महीन वाली सेवई, ये बाल जितनी पतली होती है, और ये ईद की अलग सेवई होती है, नॉर्मल सेवई से अलग होती है। इसे ऑलरेडी ये भुना हुआ रहता है, पर चलाकर इसे हम 2 मिनट और भून लेंगे, 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर। ध्यान देना है चला के भुने, वरना ये जल जाएगा। तो जब ये भुन जाए तब जाके हमारा तैयार किया हुआ जो हमने चाशनी तैयार किया, वो चाशनी इसमें ऐड कर देना है। चाशनी ऐड कर लेने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे, और साथ में हमने तैयार किया है घर पे मावा। मावा जो है आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने घर पे तैयार किया हुआ मावा जो है करीबन 250 ग्राम था, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लेंगे, मावा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसके साथ, और जैसे ही आप मिक्स करेंगे धीरे धीरे जो है चाशनी आपकी कम होने लगेगी। चाशनी जो है आप चाहें, इस सेवई की एक बात बताती हूँ, इस सेवई में आप चाहें तो अगर आपको सेवई थोड़ा सा गीला चाहिए ना तो चाशनी ज़्यादा प्रिपेयर करिएगा, कम चाहिए जैसे मैं थोड़ा सा चाशनी कम रख रही हूँ, मेरी सेवई थोड़ी सी गाढ़ी बन रही है। आप चाहें थोड़ी सी आपको लिक्विडी कंसिस्टेंसी की सेवई चाहिए तो आप चाशनी थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करें, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा पानी उतना ही डबल कर दें। अब देखिए क्या करेंगे, हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो पाउडर वगैरह हमने सारे सब कुछ जो फ्राई करके रखे हुए थे वो सब इसमें अभी आपको डाल देना है। थोड़ा सा पाउडर मैं बचा के रखी हूँ ड्राई फ्रूट्स वाला, वो ऊपर से गार्निशिंग करूँगी। मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लेने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, ये अब आपका रेडी हो गया है। तो आपकी सेवई रेडी है, इसे निकाल कर आप सर्व कर लीजिए।
देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान था बनाना, मैंने बोला था ना इसे बनाने में जो है देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, पर बिलीव मी ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार आप जब बनाने लगेंगे प्रिपरेशन कर लीजिए और फिर बनाना बहुत ही मिनटों का खेल है, तुरंत काम हो जाता है। जो आपको टाइम लगेगा वो सारा भुनने में लगेगा, अदरवाइज कुकिंग में तो आपने देख ही लिया कि कितना कम समय लगा इसे बनाने में। अब हमने जो है पाउडर किए हुए जो बचे हुए थे पाउडर्ड हमारे ड्राई फ्रूट्स, उससे ऊपर से गार्निशिंग कर दिया और ये देखिए हमारा टेस्टी सा केमामी सेवई बनकर तैयार है। अब जैसा कि मैंने आपको मेंशन करा, आप इस सेवई की कंसिस्टेंसी जो है चाहें तो चाशनी थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं, तो चाशनी जब ज़्यादा रहेगा तो आपकी सेवई थोड़ी सी वो रहेगी लिक्विडी सी, तो आप वैसी चाहते हैं तो ऐसा कर लीजिए। अदरवाइज मीठा जो मैंने जितना गाढ़ा बनाया है सेवई मीठा ये प्रॉपर है, इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मीठे की, पर ये थोड़ा सा गाढ़ा है, अगेन चाशनी हमने कम डाला। और ये देख सकते हैं आप सेवई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बिलीव मी बहुत ही टेस्टी सेवई है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।